अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज नजब की तबीयत बेहतर हुई है और मैं आज तक स्कूल नहीं गया था। मम्मा उठ गई थी, पापा उठ गए थे, नजब को वॉमिट आ रही थी। नजब देखिए, नजब सो रहा है, इसकी तबीयत बेहतर है और मम्मा पुलाव बना रही है। मुझे पुलाव मजे के लगते हैं। आज वीडियो होगी कैसे स्टार्ट। स्टार्ट में गैस का आलम देखें, ये है। अभी मुझे खाना बनाना है और बहुत ही हल्की गैस आ रही है और अब मैं बनाऊंगी पुलाव। यखनी मैं बना चुकी थी और दोपहर में ही अब मैं इसका जो मसाला चढ़ाकर पुलाव बनाती हूँ। सर्दियों के दिन इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना इतनी जल्दी आ जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता कि कोई भी चीज़ अपने लिए कर सके इंसान। और मेरे हस्बैंड तो खाने के बेइंतहा शौकीन है, तो दिन में 3 टाइम खाने के अलावा माशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। इसलिए समझ में नहीं आता कि अब खाने में मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं सोचा कि मैं पुलाव बनाऊँ, क्योंकि हर वक्त अक्सर मेरे शौहर जो है ना, मेरे हाथ का पुलाव मांगते हैं कि मुझे पुलाव खाना है। और अब मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी कि दावत हो, कुछ भी हो, कहीं मैं जा रही हूँ, किसी को बुला रही हूँ, पुलाव 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 पुलाव, तो मैंने ज़रा ब्रेक मारा था पुलाव को। और आज तकरीबन मैं 15-20 दिन बाद पुलाव बना रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए, मैं बहुत ईजी तरीके से बनाती हूँ। और ये जो है मैंने भगार कर दिया तमाम गरम मसाले के साथ। अब मैं इसमें जो है वो अदरक लहसुन गोश्त और दही डाल के इसको भून लूँगी और चावल डाल दूँगी। बस बहुत ईजी तरीके से, आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यानी मैंने पुलाव को जो है वो दम पे लगा दिया है, तो दूसरी जानब मैं बना रही हूँ सेवैयाँ। काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने सेवैयाँ बनाई है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। ये झटपट जो वही सेवैयाँ रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम बादाम पिस्ता ऐड करेंगे। आप इसमें तमाम मेवे ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनको बादाम पिस्ते पसंद है, इसके अलावा कुछ मेवे ये खाते नहीं है। बच्चे जो हैं वो मेरी निकाल निकाल के फेंकते हैं, इसलिए मैंने बादाम पिस्ते ऐड किए हैं इसमें। और अब ये सेवैयाँ बन चुकी हैं, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बस चलो भाई, चलो भाई, यम्मी, चलो हम भी खाना खाते हैं। यम्मी, रुको जरा, सबर करो। और हर नजर की अभी दवाई पिलाने की बारी आ गई है भाई। मुंह बंद हो जाता है बिल्कुल टाइट से। पॉटी पॉटी आ रही है। नजर झूठ बोल रहा है, नजर को पॉटी नहीं आ रही। पॉटी और ये हमने को दवाई पिला दी है। खाना भी खा लिया, नज़र को दवाई के पिला। अब हम सोने की बारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।